मार्च 23 में PAR 30 में 1.38% दिखा रखा है, और देन उसके बाद में हम लोग मार्च 24 में हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ये तो रिफ्लेक्ट करके PAR 180+ में चले ही गए होंगे अब तक तो, ऑब्वियसली। तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन में ये कैसे लिया हुआ है, मतलब दैट टाइम पे हम लोगों ने मार्च 30 तक का ही लिया हुआ है, एक ही महीने का लिया हुआ है ये। नहीं, मार्च 23 से मार्च 25 के बीच में सिर्फ दो या तीन इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ डेटा ऑफ बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई, एनबीएफसी एंड अदर एमएफआई, दोज आर ऑपरेटिंग इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। सो ये ओवरऑल हमारे जो लेंडर्स हैं जो लोन देते हैं माइक्रो फाइनेंस, उसका डेटा है। आप अर्थ एक से बोल रहे हैं ना? हाँ, और से बोल, तो ये ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है सर। तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों 1.38 है, क्यों अभी भी मार्च 24 में 1.73 दिख रहा है। केशव जी, आपका कुछ व्यू ये डेटा पे, कुछ एडिशनल या कुछ सही गलत, आपको जो आपका हो प्रोस्पेक्टिव? नहीं यार, व्यू तो इसमें नहीं है। 301 करोड़ का आप बता रहे हैं, तो ये सारा अप्रैल ऐसे तक का डेटा है और सर, ये बैंक्स, अप्रैल तक का डेटा है, हाँ 24 का। अप्रैल 24 तक। हाँ वो तो ऑलमोस्ट, उसके बाद तो ग्रोथ हुआ ही नहीं है क्योंकि उससे प्रॉब्लम हम लोग चालू थे, तो वो सही है। अच्छा डेटा ठीक में है ऐसा कोई वो नहीं है इशू। ठीक है। धीरज जी, आपका इसमें कोई नहीं, कोई प्रोस्पेक्टिव? उसमें डेटा में कुछ नहीं है, यही है कि अप्रैल में भी सेम चैलेंजेस आया था, तो पोर्टफोलियो डाउन ही हुआ होगा। यदि जून एंड का देखोगे तो जैसे 301 करोड़ है, तो वो आई थिंक डाउन ही हुआ होगा। लेकिन एक चीज आप लोगों ने शायद ध्यान दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता है, हमारे जो कलीग हैं अर्थ इन 15 एंड बीएफआईएल से, अगर आप देखेंगे डेटा सितंबर 23 का पोर्टफोलियो, मतलब लोन आउटस्टैंडिंग एंड लोन अकाउंट्स इन लैक्स, जो फर्स्ट मतलब सेकंड थर्ड कॉलम है दिसंबर का, दिसंबर में हमारा लोन आउटस्टैंडिंग है 2.81 करोड़, और हमारा जो नंबर ऑफ लोन अकाउंट है 1,06,000 वाला, और उसके नीचे सेप्टेम्बर का देखेंगे, सेप्टेम्बर का पोर्टफोलियो हमारा आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट का कम है, 265 करोड़ है। ऑन द अदर हैंड जो नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स है वो 1,06,000 ही है। मतलब इसका ये हुआ कि सेम कस्टमर को ही डिस्पर्समेंट चल रहा, यही मतलब हुआ जो डेटा हमें बता रहा है। और जैसे ही दिसंबर से मार्च 24 में जाते हैं, दिसंबर 23 से मार्च 24 में, तो हमारा बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। आप देखेंगे तो 1,11,000 हमारे कस्टमर हो, 5,000 कस्टमर बढ़े। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे कि 281 से हमारा 20 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बढ़ गया, इतना 20 करोड़ रुपए का लगभग, और हमारे कस्टमर सिर्फ 5,000 ही बढ़े। नहीं, कस्टमर ना भी हो सकता है, ये तुम्हारा लोन अकाउंट्स हम लोग बोल रहे हैं, तो हाँ लोन हाँ वही अकाउंट्स, वही हाँ नंबर ऑफ लोन लोन अकाउंट्स अकाउंट। बढ़ा है, हाँ लोन अकाउंट्स बढ़ा है, सॉरी मतलब तुम्हारा सॉरी, यूनिक कस्टमर मे नॉट हैव इंक्रीज्ड आल्सो यस यस यस, लोन अकाउंट, बट परसेंटेज में एनी तो सेम ही है दोनों का इंक्रीमेंट, इवन पोर्टफोलियो भी परसेंटेज और लोन अकाउंट दोनों का लगभग लगभग सेम है। बट अगर इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे PAR 180 DPD, जो 80+ DPD भी है, मार्च कंपेरिजन टू एवरी क्वार्टर, मार्च 23 में हमारा अराउंड 8 के पास है, 6.5 के आसपास हमारा जून 23 में है, सितंबर 23 में अचानक से वो 1% बढ़ गया, लगभग 7.5 के आसपास गया, लेकिन दिसंबर 2023 में आप देखिए वो अचानक से फिर से वापस आ गया 7.5 पे, एंड ये फिर आपको वापस लगता मार्च है ट्वेंटी कि फोर डेटा में के वन अंदर कोई एटी पैसा डीपी नहीं आता है? मेरे ख्याल से या तो राइट ऑफ वाला पार्ट होगा या कुछ और होगा, क्योंकि जो पैसा सितंबर 2023 में नहीं आ रहा वो 1 क्वार्टर में जाके पेमेंट आना है। या तो ऐसा होता है कि मेंबर लोन क्लोज कर जी। सकता है जब उसको कहीं और से लेना लेना होता है, कहीं से उसका शो करता है तो ही जाके पैसा देता है, अदरवाइज तो मेंबर कभी भी पैसा नहीं देता, इतना कम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो। इतना कम नहीं हो सकता, इधर राइट ऑफ हुआ है या फिर हाँ, क्योंकि इतना आपका नहीं हो सकता कि 7.5 से लेके आप हमेशा एकदम 180+ बढ़ेगा ही, वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि मेंबर हैं जो 173 हैं, ये जब PAR 30 में जा चुके हैं तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा ही डेटा, ये कम नहीं हो सकता है। कम होने के लिए तो आपने राइट ऑफ करके निकाला हो, तो डेटाबेस के आधार पर नहीं आ रहा हो, ये एक अलग। हाँ, या फिर तो प्री क्लोजर हुआ है, दैट्स फॉर सर, श्योर। इतना प्री क्लोजर कभी नहीं हो सकता कि 4.5 से लेके आप 8% पे जाके हाँ पहुंचोगे, तो वो नहीं, एक जस्ट डबल सा डेटा है वो, ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे 50% हो। डेटा बट को। वन थिंग, इफ यू सी दैट, आपका अगर मार्च से इस मार्च तक देखेगा, हमारा संभव ये PAR 30 जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है जून 23 से, स्पेशली हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज के ट्रेंड पर ही जा रहा है। नाउ इट इज कमिंग एज 173, तो अगेन आप देखिएगा अगर 60 में भी दिसंबर 23 से हमारा देख रहे हैं कि हमारा जो मार्च 24 है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सो देयर इज अ ट्रेंड विच वी आर सीइंग, नॉट
लॉन्ग ट्रेंड, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ है, बट एनीवे आई मीन दिस इज द डेटा। सी वन थिंग यू नो दैट कि डेटा जो होता है वो 50% ऑफ द रियलिटी होता है, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है वो अनदर 50% होता है, बट सर अगर इसमें दिस एक इज चीज अगर अपने को मिलती तो थोड़ा ज्यादा बेटर समझने में थोड़ा ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बैंक का और उन सारे पोर्टफोलियो के किया हो, आपको मिल स्पेसिफिक जाएगा। माइक्रो फाइनेंस का निकाल पाते हम लोग ये वाला डोंट वरी हाथ से डोंट मारते हैं। वरी, आप एक बार माताब से बात कर लीजिएगा, ही विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक बट है लेट अस डिस्कस अबाउट दैट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फील्ड, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में हो क्या रहा है वो मुझे थोड़ा सा, इफ वी कैन टॉक अबाउट माताब इट विल बी वेरी गुड। बुरहानपुर में एग्जैक्टली ठीक क्या हो रहा है, क्योंकि हमने गया है, हमने काम किया है, उसके बाद किस जगह पर हम लोग अभी खड़े हैं। तो आई थिंक कोई लेट अस स्टार्ट विथ सर BFIL, लेट अस स्टार्ट विथ BFIL कि वही बात, जिन्होंने सबसे पहले BFIL ने हमें ये इशू रिपोर्ट किया बिल्कुल और उसके बाद बाकी बाकी ऑर्गेनाइजेशन एंड कलीग्स ने रिपोर्ट किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव बीन वेरी क्लोजली कोऑर्डिनेशन विथ ऑल आवर कलीग वर हियर फ्रॉम द इंडस्ट्री और माइक्रो फाइनेंस। सो आपका क्या अभी करंट व्यू है धीरज जी, अगर आप थोड़ा सा डिलीबरेट करें 5 मिनट, देन वी शैल हैव डिलीबरेशन फ्रॉम नायर ये अपने केशव जी की और तरफ से। जी यहाँ व्यू प्लीज। सर, ये डेटा पॉइंट, ये सब चीजों तो अभी करंट सिनेरियो में जो है पोर्टफोलियो बढ़ा ये सब डिस्कशन से नहीं, अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट वहां पे जो चैलेंजेस है वही चैलेंज है। बाकी जैसे अब देखेंगे तो कुछ कुछ कस्टमर हमारे वापस रीपेमेंट स्टार्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जब फॉलो अप ले रहे हैं हम लोग कस्टमर्स के साथ सिबिल और बाकी चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं तो वापस रीस्टार्ट भी हो रहे हैं, लेकिन अभी रुक नहीं रहा है, क्योंकि करंट सिनारियो में भी हम देखेंगे तो शाहपुर और बुरहानपुर दोनों जगह लोकेशंस में रोज 200-250 कस्टमर डिनाई कर रहे हैं कलेक्शंस के लिए, वो चैलेंजेस सेम अभी भी है। कल ये लोग कलेक्टर और SP से वापस मिले भी थे, वो लोग भी उतना तो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। धीरज जी वन वन थिंग मैं आपके मतलब पॉइंट में ऐड करूंगा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया और आप ही लोगों हमें बता सकते हैं कि हम लोगों ने SP को मिले, आप लोगों के हेल्प से आप लोग जाके उन्हें अच्छा रिप्रेजेंटेशन एक लेटर एक एक कलेक्शन में रिक्वेस्ट डाले है, थे एक रिक्वेस्ट है सब कोलीग हमारे को, अगर हम लोग बात नहीं कर रहे तो थोड़ा सा अगर म्यूट कर देंगे ना तो हमारे लिए एक सहूलियत होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए। ऑफिस में बातचीत हो रहा है और हमारा। हाँ ठीक है ठीक हाँ थैंक यू है। थैंक यू। हाँ ठीक है हाँ सो धीरज जी मैं ये बोल रहा था जैसे हम लोगों ने जाके वहाँ रिप्रेजेंटेशन किया तो उनका जो ये रूमर्स फैलाने वाले लोग हैं उनको कैसे पता चला और वो जाके फिर एक कागज पे लिख के निकाल रहे हैं कि कलेक्टर मैडम ने बोल दिया है कि सारे लोगों को बुला के राय लिया जाएगा और आगे हमारी बात को सुना जाएगा, नहीं तो ये रैली चलता रहेगा। के ये चीजों पे कोई डिस्कशन क्या है, वहां पे भी वो लोगों के भी लोग है, वो लोकल है, हो सकता है SP ऑफिस कलेक्टर ऑफिस में PA VA सब लोग लोकल ही होंगे ना, वो अब कोई एम्प्लॉय भी बताया होगा तो उसका तो कुछ नहीं बोल सकते कि क्या हुआ, लेकिन यह है करेक्ट कि भाई वहाँ ऑफिस में भी कोई लोग होंगे जो लोकल ही है, और जो ऑफिस में लोग है वो भी इतने तो है नहीं, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए ही है, 99% मैं तो अश्योरेंस दे रहा हूँ कि होगा, तो वो इस पे हम तहकीकात पे नहीं जा सकते कि किसने बोला होगा क्या हुआ होगा, हो सकता है कि बैकएंड से कोई और किसी के सपोर्ट हो, अब वो हम कैसे बोल सकते हैं। अच्छा एक नो चीज नो जस्ट बताइए फॉर कि अंडरस्टैंडिंग। एक चीज बताइए, ये जो हम देख रहे थे एक लेटर उन लोगों ने लिखा है कि हमने DM से मिला है और उनके पास से ये आश्वासन मिला है, वो सही बात है या फिर वो लोग झूठ मूठ का बोल नो सर, रहा है? इट इज अ र्यूमर, इट इज अ र्यूमर। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमारे कलीग नितिन और ये केशव जी और धीरज जी की टीम वहां पहुंची, सीनियर GM एंड ऑल, उसके पहले ही वो लोग मौजूद थे वहां पर मामले को बताने के लिए कि हमारा ये लेटर फिर से लिया जाना चाहिए, ठीक है, और 2 पेज का लेटर उन्होंने सबमिट किया और वो शायद वहां से चले भी गए या रहे वो हमें पता नहीं। एंड आफ्टर दैट हमारे कलीग जब वहां पर जब जाकर डिस्कशन हुआ अलोंग विथ LDM सर, आई वॉज इन कोऑर्डिनेशन विथ ऑल ऑफ देम। सो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कोऑर्डिनेशन हो गया और मैडम ने 2-3 बहुत अच्छे अच्छे बात कही, उन्होंने ये कहा कि देखिए हम दोनों तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से मजबूत रखेंगे, कहीं कोई मामला ना हो,
इधर से भी कुछ मामला ना हो, उधर से भी मामला ना हो, मतलब मामला का मतलब है कस्टमर को कोई फोर्सफुली कलेक्शन ना कर पाए, जो कि हमारे कलीग नहीं कर रहे हैं फील्ड में जाके, रूमर्स क्रिएट किया जा रहा है, दैट इज नंबर वन। सेकेंडली उन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट बात कही कि हमें अभी ये समझने की जरूरत है कि मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, और मैग्नीट्यूड जो बड़ा है तो जो जो लोग हैं अल्टीमेटली उनके फेवर में, और आपके जो आरबीआई का रेगुलेशन और ओवरऑल आपका प्रोसेस सिस्टम है ओवरऑल ऑपरेशन का, उसको समझते हुए हमें थोड़े दिन का सावधानी बरतने की जरूरत है। हमको अभी कलेक्शन जो है बड़ा स्ट्रेटेजी से सोच समझ के करें, दरवाजे तक ना जाएं। और एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि प्रेस रिलीज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस, फ्रॉम कलेक्टर ऑफिस वो नहीं कर पाएंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड या फिर इंडिविजुअल लेवल पे प्रेस रिलीज और न्यूज अखबार में ये दें कि सिविल स्कोर कैसे खराब होता है और इस तरीके के अफवाह में ध्यान ना दें, क्योंकि आरबीआई ने खुद ही कहा है अभी रिसेंटली लोन वेवर और इस पे कि इस तरीके की चीजें जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये दो तीन बातें इंपॉर्टेंट कही हैं, और अभी आगे की बात सुनने के लिए हम लोग कम बोले तो ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे कलीग बोले तो हमको आगे दो तीन की पॉइंट्स जो जिस पे काम करना है और इसको आगे करना है वो इम्पोर्टेंट होगा। सो धीरज जी, हाँ जी, जी जी बोलिए सर, नहीं तो अभी वही कैसा मेरी तरफ सिचुएशन है, से आपका ये है क्या इनपुट है, अभी रोक देना चाहिए सिचुएशन थोड़ी देर के लिए सिच कलेक्शन? जी ना जी ना ना कलेक्शंस रोक के कोई बेनिफिट नहीं है ना। अब यदि मेरा 9,000 कस्टमर है, 2,000 मेरे को तंग कर रहा है, तो मैं 7,000 का कलेक्शंस रोक के अकलबंदी वाला काम नहीं करूंगा ना। और वो 2,000 भी कस्टमर यदि अभी इन्फ्लुएंस में आए हैं तो हो सकता है उनमें से, और लोगों को बस एक ही अपील रहेगी कि लोगों उनसे प्रेम पूर्वक बात करें और कस्टमर को सिविल स्कोर और बाकी चीजों को फ्यूचर के बारे में बात करें, बाकी ट्रू उनसे कोई बातें करने की जरूरत नहीं। वही हमारी टीम को मैसेज है और उसी पे काम कर रहे हैं, और अभी हमारे को ऐसा कोई चैलेंज भी नहीं आया कि कहीं कोई कि कोई केस हुआ, कोई कहानी हुई। जो ठीक है, कस्टमर देगा नहीं देगा वो उसकी मर्जी है, हमारी तरफ से यही है बिल्कुल कस्टमर को बताना है कि भाई नहीं दोगे डिफॉल्ट जाओगे, सिविल स्कोर खराब होगा, भविष्य में लोन नहीं मिलेगा, वही हमारे हाथ में है, वही जी हम कर रहे हैं, और रोकने से बिल्कुल फायदा नहीं है। और यदि जी ऐसे वर्बल उनने बोला भी है कि रोक देना चाहिए, तो हमें एज ए माइक्रो फाइनेंस रोकने की जरूरत नहीं है जब तक कोई रिटर्न में कम्युनिकेशंस ना आए। तो इस चीज पे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं मेरे ख्याल से कि क्या बोला क्या नहीं बोला क्या नहीं हुआ, बाकी लोगों का हम क्या अपना व्यू है, काम करते रहें। बाकी एक एक लोगों करके का सर, क्या एक एक व्यू करके। है? हाँ तो केशव जी, आपका क्या व्यू है? केशव जी उसके बाद केएम जी। मेहता जी, मैं जो मेरा अमित जोशी से डिस्कशन हुआ एवीपी से, सो जो पहला जो उनका प्रश्न है, मुझे बताया कि मैडम जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस तो मैडम की तरफ से हमें मिला नहीं है। अगर एज एम एफ आई पॉइंट ऑफ व्यू अपन देखें तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मैडम की तरफ से रहेगा कि भाई ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं मैडम भी एक ऐसा लग रहा था कि इज एन परसेप्शन कि भाई कहीं ना कहीं गलती हमारी साइड से हो रही है। तो मेरे को लगता है एक तो उसको चेंज करने की जरूरत है, इधर बाय मीटिंग और जो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक सेकेंड, है देखिए ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बुरहानपुर का एज ऑफ नाउ तो है, बट दिस कुड इनलार्ज टू द होल स्टेट और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, पर्टिकुलर मतलब इन रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी जो हमें प्रॉब्लम कर रही है। क्योंकि अगर वहाँ पे गेट सक्सेसफुल ना, तो ये बाकी जगह भी फेल सकता है। एंड अग्री, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम यहाँ है कि ये कुछ कुछ क्लाइंट्स की तरफ से बहुत बड़ा इशू नहीं है। इट इज इसमें कुछ एक्सटर्नल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो अपना अपना वहाँ पे बेनिफिट देख रहे हैं, और बाय वोट बैंक का पॉलिटिक्स कह लो या फिर कुछ बाकी लोग भी हैं लोकल पार्षद वार्षद जो इसको देख के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है ये इसको आगे जाके एक बड़ा मुद्दा अपने अगले चुनाव उनाव के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले भी हो चुका है। तो 100% अगर एग्री। ये अगर वहां पे हम लोगों ने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया, तो ये खंडवा में भी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, देन इट कैन स्प्रेड टू इंदौर आल्सो, क्योंकि इनका तो ग्रुप सबके रहते ही हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सभी लोग बहुत जल्दी सबके जो वीडियोस हैं वो आ जाते हैं, तो इंदौर में भी हम लोग इसको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं।
अच्छा, ये पहला तो कलेक्शन रोकने डीसी वाली रिटर्न की बात, तरफ, कलेक्शन नहीं रोकने की बात चल कलेक्शन रही, आपका क्या व्यू है? नहीं नहीं वो तो नहीं रोक सकते, यस वो तो एनी टाइम इट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी एंड इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन नाउ, मतलब वो तो हो और ही नहीं जैसा सकता। धीरज जी ने कहा कि कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन कलेक्टर ऑफिस से हमें नहीं मिला है, किसी भी एमएफआई को या साधन को, कि आपको ऐसा करना चाहिए, उन्होंने लेटर ले लिया, तो उन्होंने बोला मैडम ये बात है। डीसी मैडम ने जो बोला है वो ये नहीं बोला है कि आपको अपना कलेक्शन रोकना चाहिए, उन्होंने बोला है कि आप थोड़ा सा 1-2 महीने थोड़ा, क्योंकि मामला गर्म है, आप थोड़ा सा अपना कलेक्शंस प्रिकॉशन, पे ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशंस लेके रखिएगा, तो दैट वी आर टेकिंग ऑफ, मतलब उसमें हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी टीम्स को जाके इंडिविजुअली बाय मीटिंग बाय कॉल सब समझाया है कि हमें किसी भी तरीके का गलत तरीका नहीं अपनाना है, ना ही किसी तरीके से किसी तरीके का गलत फोन पे बात करनी है, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोगों को कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हो सकता है अभी छोटा मैटर हम लोग इसको क्लोज कर ले, पर अगर कोई बड़ा मैटर हुआ तो दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो वो हमने बहुत अच्छे से अपनी टीम को बताया है, सभी लोगों ने बताया होगा, तो हाँ वो जी, एक हाँ जी सर, मुझे लगता है वो कोई हम लोग वहाँ पे कोई गलती नहीं करेंगे अभी तक, हालांकि यस, उनकी तरफ से थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पे वो फील्ड में क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि मीटिंग में मत बैठो, आप जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे इस टाइप से। वहाँ उसको ओके वन सर, टू वन हम लोग तो थर्ड पार्टी इंटरटेन करना मना ही कर दिया टीम, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली आपने जिसको लोन लिया उन्हीं से डिस्कशन होगा, उन्हीं से बात करो, और आपको लगता है कि इफ समथिंग इज नॉट गोइंग राइट आप वहाँ से निकल जाइए, ठीक है। एग्जैक्टली हमने भी जब मैं आया था कलेक्टर ऑफिस, आप सभी लोग कलीग के साथ में, तो तीन बातें हमने बोली थी, कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन, फील्ड कम्युनिकेशन, और ये प्रिकॉशन में जरूरी बोला गया। और एनी अदर पॉइंट केशव जी आपकी तरफ से? हाँ जी मेरी तरफ से पॉइंट है सर, एक तो अभी ना एक तो हम लोग अगर मैडम ने बोला है तो हम लोग अपने लेवल पे एज अ ऑर्गेनाइजेशन मतलब साधन की तरफ से अगर कोई न्यूज़पेपर में हम लोग ऐड दे सकें या फिर हम लोग एक सूचना दे सकें कि भाई ये ठीक है। जो वो एक हेल्पफुल हो सकता है पहला, एंड देन आई थिंक वी शुड ऑल्सो मीट के भाई हम लोग मतलब डीसी मैडम के ऊपर कहाँ तक मिल सकते हैं, कहाँ तक हम लोग अप्रोच कर सकते ओके हैं टू ओके टू एड्रेस दिस इशू ना, तो वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी है, मतलब एमपी लेवल स्टेट लेवल पे हम मतलब वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम हाँ लोग जी, कहाँ हाँ तक जी, जाके अप्रोच करके वी कैन एड्रेस दिस इशू, तो ये है मतलब अभी तो एनी अभी अदर पॉइंट? स्थिति कंट्रोल में तो नहीं है अभी हमारा, हाँ तो जी, देखिए हमारा हमारा जो कलेक्शन है वो मंथली होता है, तो क्योंकि 15 तारीख से एजुकेशन स्टार्ट हुआ था तो मोस्ट ऑफ द कलेक्शन हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, तो अभी भी हम लोगों के फिर भी 400-500 क्लाइंट रुके हुए हैं वहाँ पे, बट हमें प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है हम लोग 1 तारीख से जो हमारा कलेक्शन स्टार्ट होगा वहाँ से हम लोगों को इश्यूज आएंगे जो बाकी MFI को जो BFI है इनका देख के लग रहा है, तो अभी हम लोगों को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, वो हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि हम कैसे इसको आगे। ठीक है ठीक है ठीक है केशव जी। खेम सिंह जी और नितिन, आपका क्या व्यू है, जैसा सर लोगों ने नितिन बताया से केशव बेहतर जी ने? तो इसके बारे में नितिन ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, हाँ पर ऐसी नितिन, तीन चीजें हैं यस, जो अपने को समझ में आती है कि जैसे मीटिंग का प्लान था पहले, उन्होंने ऑलरेडी प्लान थी शायद 20 तारीख को मीटिंग, उसके बाद सडनली जैसे ही साधन की तरफ से, क्योंकि ऑपरेशन टीम वहां पर गई है तो उनको पता लगा है, तो उन्होंने अपनी जो मीटिंग है वो प्लान पोस्टपोन कर दी, उन्होंने 24 तारीख कुछ ऐसे कर दी, तो डे बाई वो डे 24 का भी इनकी पोस्टपोन्ड इन्फॉर्मेशन हो तो गया उनके पास सर, में पास ऑन है। केम सर हाँ ये जी, 24 तारीख वाले भी पोस्टपोन्ड हो गया है, 24 तारीख कोरियर वाला इन्फॉर्मेशन, पोस्टपोन्ड हो गया, तो वो 20 वाला इसलिए भी और पोस्टपोन्ड 24 हुई दोनों हो गया। होगी, ये मेरे ख्याल से इसलिए पोस्टपोन्ड हुई होगी क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी पहले से प्लान चल रहा है, यानी कि कोई ना कोई इन्फॉर्मर तो है जो उनके पास में, इन्फॉर्मर नहीं हो तो भी उनके पास में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जब किसी को यही रूमर क्रिएट करना होता तो वो क्रिएट करेगा, उनके पास में इन्फॉर्मेशन ठीक थी है कि कलेक्टर मैडम मिली नहीं है तो उसके बाद दोबारा मिलेंगी, तो हो सकता है फिर दोबारा कुछ और नया आएगा, उसके आधार पर ही उनकी प्लानिंग चेंज होगी। ठीक है, अनितिन आप अपना कुछ पॉइंट जोड़ पाएंगे अब तक जो हम लोग दो तीन चीजें डिस्कस की? हाँ वैसे हम बिल्कुल, लोग अभी हमारा कलेक्शन मंथली मोड पे है, हम लोग 1 तारीख से लेके है तो 10 तारीख तक, 11 तारीख तक हमारा कलेक्शन रहता है, 11-12 तक, तो हम लोगों को तो ओके अभी जो कलेक्शन में जो हम लोग तो कर चुके थे वो कलेक्शन, अभी हम लोगों को इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं तो वो अभी इस महीने में होंगे। नितिन कुछ एड ऑन करना है, कुछ बताए आइडिया हो तो? सर, पहली चीज तो ये है कि मेरे हिसाब से वहाँ पर जो कलेक्टर मैडम थी वो उनको क्लेरिफिकेशन अलग से देने की ज़रूरत है अच्छे, हम लोगों को,
हमारी क्या तरफ देना से है पूरी बताइए। तरह से क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत है कि उनके दिमाग में उन लोगों ने जा जाके या बहुत सारे ऐसे केस खड़े कर दिए हैं उनके सामने कि उनका परसेप्शन हमारे खिलाफ हो गया है। इनका अब परसेप्शन कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम, अच्छा, जी, उनका परसेप्शन हमारे खिलाफ ही है। जिस हिसाब से उस दिन वो बात कर रही थी, वो हमारी बातें डिनाई ही कर रही थी, और उनके तरफ से ज्यादा वो कर रही थी कि आप ही के द्वारा गड्ढा खोदा गया है, आप ही ने किया है, एक लेडीज के पास इतना इतना लोन कैसे कर दिया आप लोगों ने, क्या देख रहे हो आप लोग, पब्लिक नितिन दिक्कत आ नितिन रही है तो सॉरी आप। सॉरी टू इंटरप्ट जी यू, जैसा आपने उस दिन मुझे बताया था या अदर टीम ने, कि मैडम बोल रही थी जी कि 16 से 20 लाख तक का एक कस्टमर पे ओवरऑल बर्डन है जी माइक्रो फाइनेंस का मिला के, ओवरऑल मतलब सारे जितने लेंडर हैं हाँ, जिन्होंने मतलब माइक्रो फाइनेंस कुछ में दिया। सर सुनिए 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 उन्होंने ऐसा किया सुनिए, कि उन्होंने कुछ ऐसे केस मिला मिला के उनके सामने खड़े कर दिए, नहीं और नहीं उन्होंने सुनिए हम लोगों सुनिए, फॉर योर क्लेरिफिकेशन, मेरा आप लोग के मीटिंग के बाद ना एलडीएम सर से मेरी 1 घंटे बात हुई, उन्होंने जी बोला कि मैडम के सामने या मैडम के पास या हमारे कलीग से जो भी बात हुआ, आप लोग अपने जगह पे जो भी डिस्कशन किए, तो एक चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर उनका कहना है कि अगर वो 16 लाख का लोन बता रहे हैं या 50 लाख या कितना भी एक नंबर एन नंबर बता रहे हैं, तो वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो एकदम ही गलत है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत कोई कागज किसी भी तरीके का नहीं। प्लीज कैरी ऑन, जो आप बोल रहे थे। सर, उनके पास है या नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन जो मैडम बता रही थी कि उन्होंने डायरियां वगैरह भी चेक करी है वहाँ पर मेंबरों की, उनकी किस्तें चेक करी हैं, और उस किस्तों के आधार पे उन्होंने देखा है कि हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने भी कई लोन दे दिए हैं, ठीक है, रिपीट लोन दिए गए हैं अपने यहाँ से, कई कंपनी करती है। ठीक है आगे नेक्स्ट और पॉइंट प्लीज। हाँ, और दूसरी जो होम लोन वगैरह है, पर्सनल लोन वगैरह, इस तरह करके उनके ऊपर काफी ज्यादा हो गया है, और उन लोगों ने वहां पर बार बार जा जाके वो लेडीजों को ले जाके वो चीजें हमारे खिलाफ खड़ी करी है। तो हमें, मुझे लगता है कि वहां पर एक तरीके की बैठक होके वहां पर उनको क्लेरिफाई करना चाहिए हम लोगों को कि इतना ज्यादा हमारी तरफ से गलती नहीं है। और दूसरी बात है कि एक उन्होंने एक पॉइंट और बोला था कि हम लोग माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ कैंपेन चलाने की सोच रहे हैं। किस तरीके का कैंपेन, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। मतलब वो ये बोले थे, मैडम ने ये बोला था कि हम लोग इसके खिलाफ, मतलब माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ हम खुद एक कंपेन चलाने की सोच रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन ना मत लीजिए, ठीक है, कौन इससे बोला ज़्यादा आप ये, कौन बैंकों बोला? से लोन लेने की डिस्ट्रिक्ट कोशिश कलेक्टर कीजिए। मैडम, सॉरी ये मैडम, जी ये हाँ ये चीज़ उन्होंने बोली, तो मतलब वो एक तरीके से हमारे खिलाफ पूरी तरह से नेगेटिव ही हैं, हाँ अगला पॉइंट वो ये हो तो गया, दो उनकी पॉइंट तरफ आपके से कुछ इम्पोर्टेंट। भी, जी, कोई भी सपोर्ट की उनकी तरफ से तो हमें नहीं उम्मीद मिलने नहीं है। वाला है। जी बिल्कुल नहीं है। हाँ दूसरी चीज है कि वहां पर उन्होंने एक चीज और बोली थी कि लोकल लोग हैं और लोकल लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ काम करने की जरूरत है, ठीक है। आप अपने कर्मचारियों को ही समझाइए और उन्हीं लोगों को बोलिए कि वो किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार या बातें या फिर किसी भी तरह ये तो से, वैसे भी नहीं करना चाहिए। जी, मतलब वो ये चीज उनके सामने ये चीज खड़ी की गई तो वो भी हमको यही चीज समझा रही थी, जी, बिल्कुल कि आप लोग ये चीज मत कीजिए, और अगर किसी भी तरफ से या उनकी तरफ से या आपकी तरफ से कुछ भी इस तरह की कोई चीज होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से हम लोग उसका उसके लिए कुछ भी, मतलब, एक्शन लेंगे, ये बात बोली थी ओके उन्होंने। दूसरा बात हुई थी सर ने लास्ट में एक चीज और बोला था कि सर मैडम आप केवल एक चीज कर दीजिए कि सरकार की तरफ से या फिर आपकी तरफ से लोन माफी की कोई भी तरीके की कोई बात बोली नहीं गई है, अगर आप इस तरह का कोई प्रेस में विज्ञप्ति वगैरह दे दें तो हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा। तो उन्होंने वो बात भी बिल्कुल डिनाई कर दी कि हम क्यों दें, जब हमने ये नहीं बोला कि माफ हो जाएगा, हम लोगों ने उन लोगों से भी यही बोला है कि हम माफ नहीं कर सकते और ना होगा। ये है कि कलेक्शन में आपको ये है कि आपके पास नहीं है व्यवस्था तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, लेकिन पैसा तो आज निकल आपको देना पड़ेगा, ये चीज उन लोगों को मैडम ने बोली है, और माफ होगा नहीं और ना ये हम भी बोलिए। करवाएंगे, ये भी बोली है उन लोगों को मैडम ने, जो हमसे उन्होंने कहा। तो हम अगर अलग से क्यों बोले किसी को, क्योंकि हमने कहीं ऑर्डर दिया है तो आप बता दो, या हमने कभी बोला है तो आप बता दो, कि हम तो बोल नहीं रहे, फिर हम अलग से क्यों दे, या आपके स्तर पे आप लोगों को करना चाहिए या आप लोग करिए।
बिल्कुल सही बात है नितिन, बिल्कुल सही बात। और आगे 3-4 पॉइंट हो गए, और आपके पॉइंट। जी। और सर इसके बाद जाते जाते उन्होंने कहा था कि आप लोगों को जो भी आप लेंडिंग वगैरह जिस तरह लोन वगैरह कर रहे हैं ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मतलब आगे के लिए थोड़ा सोच समझ के करिए, एक लास्ट ये था बस। ओके ओके। और आप इसके अलावा बैठक का तो मीटिंग, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ बताना चाह रहे हो जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे? इसके बाद सर वहां पर जो लोकल टीम वगैरह से मेरी बात हुई थी, जो अपने स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं फील्ड में जा रहे हैं, तो ये चीजें आ रही हैं कि वहाँ पर लोग क्या है कि लोकल जो भी लोग हैं वो गुट बना के मतलब 4-5, 5-7-7 लोग जा जाके जहाँ सेंटर वगैरह चलते हैं या जो सेंटर लीडर है या उसके घर मेंबर बैठते हैं, ऐसे लोगों के घर जा जाके उनको या तो डरा रहे हैं या फिर मतलब समझाइश कर रहे हैं या डरा रहे हैं कि कलेक्शन नहीं देना है किसी भी तरीके से, पैसा रोको, ये चीज हो रही है फील्ड में। ओके ओके। इसके अलावा और कुछ बोलना चाहेंगे अभी पॉइंट? नहीं सर बस इतना ही था। ओके, थैंक यू हाईलाइटिंग दिस पॉइंट नितिन। हमारे एक और कलीग जुड़े हैं पीछे से, लेट जुड़े हैं, टेक्निकल इशू था। सुनील घाटे जी हैं हमारे साथ बंधन बैंक से। सुनील घाटे जी, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं जी करंट सिनारियो, आप अपना थोड़ा व्यू बताइए। नमस्ते जी सर, नमस्ते, मैं बताइए। यही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग अभी अभी गए थे, हम लोग भी 4 लोगों के समय मैं कलेक्टर ऑफिस गए हुए थे, वहां पर कोई ऐसा कोई आश्वासन हम लोगों को दिया नहीं गया। यही बोला गया कि थोड़ा अपने तरफ से आप लोग थोड़ा सावधान रह के काम करिए, कलेक्शन करिए जैसे पहले करते थे, इसी प्रकार से बोला गया हम लोगों को। तो और फील्ड में जा भी रहे लेकिन पूरी तरह से कस्टमर इफेक्टेड हो रहा है, उसी चीज का अफवाह का जो रूमर लगाया गया है उसी के अगेंस्ट वो लोग जा रहे हैं बार बार। अभी जो 24 तारीख को मीटिंग होने वाला था वो मीटिंग भी पोस्टपोन हो चुका, उसमें भी नया एजेंडा एक और कर दिया है कि कलेक्टर ऑफिस तरफ से हम लोगों को बोला गया है कि 1 हफ्ते तक का आप लोगों को टाइम दिया गया है, 1 हफ्ते तक किस्त नहीं भरना। कस्टमर इस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं तो इस अगेंस्ट तो हम लोगों को बहुत सारा इफेक्टेड हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो रहा है सर। तो कुछ ऐसा कुछ उपाय बताए सर कि जिससे हम लोगों का थोड़ा समस्या का समाधान हो सके। और सर कोई पॉइंट बताना चाहेंगे इसमें सुनील? आपसे आपसे एक दो और चीजें जानना था। आपका आपका आप लोग का जो ओवरऑल कस्टमर अब तक जो है इस मामले में फंसा है या नहीं पैसा दे रहा, वो कितना होगा लगभग? सर मैक्सिमम मेरा अभी तक इफेक्टेड जो कस्टमर ओवरड्यू हो चुका है, अगर ओवरड्यू की बात करूं तो मेरा 650 कस्टमर ओवरड्यू हो चुका है आज की तारीख में। ओ और अगर इफेक्टेड कस्टमर देखा जाए तो पर डे के हिसाब से मेरा 250 के समथिंग कस्टमर ईएमआई पे नहीं कर रहा है, तो लगभग लगभग ये 6-7 डे में लगभग मेरा 1200-1400 के समथिंग कस्टमर इफेक्टेड हो चुका है। अच्छे। और दूसरा ये बात है कि किसी भी बंधन बैंक या फिर हमारे साथ बीएफआईएल स्पंदना अनर्थ की टीम है, तो किसी भी आप लोगों के ऑफिस में, हेड ऑफिस या स्टेट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस, किसी भी तरीके का ऑफिशियल लेटर आया है क्या आप लोगों को, किसी भी कस्टमर कंप्लेन का या फिर किसी भी स्टेक होल्डर का? पहले आप ना बताइए फिर सर बाकी ऐसा कलीग कोई बताए। नहीं सर, मेरे हम लोगों के पास में ऐसा कोई भी लेटर नहीं आया खेम सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑफिशियल लेटर कोई भी नहीं आया है, पर यहाँ पर जो कन्वर्सेशन हुआ है जितना समझ में आ रहा है उसका बड़ा इम्पैक्ट ये है कि उन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष सुना है। कलेक्टर उन्होंने मैडम ने मतलब सिर्फ एक ही कौन? पक्ष सुना है, दूसरे पक्ष को समझाने के लिए, अपनी सारी बातें बताने के लिए कि हम लोगों के टिकट साइज होता है 40-50 हज़ार, 60 हज़ार तक मैक्सिमम, 60-70 हज़ार, इससे ऊपर हम लोग नहीं जाते। तो हम लोग लाखों में तो हम लोग नहीं जा सकते। आरबीआई के नॉर्म्स कहता है 25 हज़ार से ऊपर वाले हम लोग ले नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक उनको सारी चीजें नहीं बताएंगे तब तक कलेक्टर हमारे सपोर्ट में नहीं आ सकती। दो और चीजें हैं उन खेम लोगों सिंह का जी। सारा प्रेशर निकल रहा है सिर्फ हाँ माइक्रो फाइनेंस पे, क्योंकि उनको पता है राइट ऑफ ये कर सकता है, बाकी कोई नहीं करेगा, और हम लोग कर नहीं सकते। ठीक है, दो बातें बता दूं क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन में भी कहा है और बार बार हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। एक तो एलडीएम साहब को हम लोग जब गए थे, हमारे साथी भी इस वर्चुअल कॉल में, तो हमने प्रॉपर ओरिएंटेशन बताया था कि क्वालिफाइंग एसेट, नॉन क्वालिफाइंग, माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट, ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस, कार एटसेट्रा, ये हमने एसपी साहब को भी बताया कि सर ये छोटा लोन है, या एलडीएम सर को भी। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कलेक्टर ऑफिस में भी जो उनके पीए से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि मैडम माइक्रो फाइनेंस जानती हैं और समझती हैं,
तो ऐसा नहीं है कि बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट एंड बीइंग अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एज आईपीएस ऑफिसर और बीइंग अ लीड बैंक ऑफ इंडिया, उनको माइक्रो फाइनेंस या प्रोडक्ट, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा था जो हमारे साथ उस मीटिंग में थे, हम लोगों ने एक भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट दिया था उनको, और साथ ही जो लेटर रिप्रेजेंटेशन लेटर है उसमें अबाउट साधन, अबाउट माइक्रो फाइनेंस, अबाउट हमारे जो मेंबर्स ऑपरेटिंग है बुरनपुर में और अबाउट पूरे मध्य प्रदेश में, वो सारा कुछ क्लियरली लिखा गया है लेटर। तो ये एक चीज था। और हमारे दूसरे कलीग अभी बताएं, जैसा आपने बोला, और किसी कुछ पॉइंट है, अदरवाइज फिर सोइबल सर का जो डिस्कशन है फिर आगे बढ़ाएंगे। सर सोइबल सर, और तो कुछ है नहीं, लेकिन जो डीसी मैडम का जो व्यू है ना, दैट्स वेरी न्यूट्रल, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका अवेयरनेस लेवल जो होना चाहिए था वैसा ही है, कि मतलब थोड़ा सा जानती है और जानेगी तो ये आप मतलब जानेगी कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और ये लोग फोर्सफुल रिकमेंड करते हैं। ये एवरेज है, ये पूरे इंडिया में यही है, एक दो जगह साइबल सर, छोड़कर ऐसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने ऑलरेडी पहले ही बता रखा था, हमारे जितने भी मेंबर्स वहां जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस या ऑफिस। और दूसरा, ब्याज दर को लेके एलडीएम सर को प्रॉपर नहीं, वो सेंसिटाइजेशन, ठीक हमारा है, वो 1 घंटे 15 मिनट का मीटिंग हुआ था सर हमारे ठीक कलीग है, साहब। लेकिन डीसी का डीसी जनरली जो डीसी वो ऐसे ही सोचते हैं, जनरली इट इज अ वेरी जनरल लाइक थॉट प्रोसेस ऑफ द डीसी। सो हमारा आई थिंक व्हाट वी हैव टू डू, हमारा जो 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 जियोग्राफी को ना थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा, किस जगह पर हो रहा है उसको, उस पिन कोड को सेग्रीगेट करो। सेग्रीगेट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसका जो साइड वाला जोन जोन है ना उसको संभालो आप लोग, कि वहां पर ज्यादा करके आप लोग काम करो कि ये स्प्रेड ना कर जाए। ये जैसे कोई हमारे साथी बोल रहे थे कि ये स्प्रेड करने का कोई ये है मतलब चांस है, इट इज वेरी ट्रू दैट इट मे स्प्रेड इन नो टाइम। तो आप लोगों का जो साइड वाला है ना, मान लीजिए पिन कोड नंबर 1 पे है, पिन कोड नंबर 1 पे जितना भी साइड वाला जोन है सब मिलके एक मेजर कैंपेन शुरू करो कि दिस इज व्हाट माइक्रो फाइनेंस, आप लोग का रिपे करोगे तो आप लोगों का क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का रिपोर्ट खराब नहीं होगा, तो आप लोग का दूसरी जगह जो हमारा रेगुलर अवेयरनेस होता है ना, कि आप लोग का जो बिजनेस कर रहे हो उसमें भी फाइनेंस का बंद हो जाएगा, ऐसे करोगे अगर नहीं दोगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये करो, करना बहुत जरूरी है। एंड प्लीज डू स्टार्ट इट, पॉसिबली सम पीपल हैव डन इट, सम पीपल नीड टू डू इट, आई मीन आप लोग जितना जल्दी हो सके। और वहां पर हमें एक कोऑर्डिनेटेड फेस दिखाना पड़ेगा कि वहां पर अकेले अकेले अपना इंस्टीट्यूशन नहीं, सब इंस्टीट्यूशन मिलके अगर आप लोग वो कर पाए तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इन नो टाइम इट कैन स्प्रेड इन द स्टेट, आई मीन इन द स्टेट एट मीन्स वेरी फास्ट इट ट्रेवल्स। द सेकेंड थिंग इज पॉसिबली जिस जगह पर इफेक्टेड हुआ है उस जगह पर आप लोगों का थोड़ा सा, देखिए ये भी हमारा थोड़ा सा मांग भी लेना चाहिए जो सच है, कि हमारा ओवर बर्डन हो जाता है कभी कभी, जनरली हम लोग सोच के नहीं करते हैं, अदरवाइज कभी कभी हम लोग सोच के भी कर लेते हैं, मतलब पर्पसली वही ओवर बर्डन देम, कि आप लोग का अगर 12,500 नहीं हो रहा है आप और एक लोन ले लीजिए, इस टाइप का होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा कि क्या होता है उससे, अगर किसी का पैसा डूब रहा है इसका मतलब आप बचे हुए हैं बिल्कुल नहीं है, ये कल आपका भी पैसा वो वापस नहीं करेगी। तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो, आप लोगों को पता भी है ये है। तो हमारा वो जो साइड वाला जो जितना भी ज्योग्राफी है वहां पर काम कीजिए, और जिस जगह पर इफेक्टेड हुआ है ना वहां आप लोग मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी जगह पर फोर्सफुल रिपेमेंट मत कीजिए, वो जगह पर और थोड़ा सा जाके उन लोगों को समझाना बुझाना थोड़ा सा कम मतलब ज्यादा कीजिए, करके देखिए कितना परसेंट रिपेमेंट हो रहा है, लेकिन इन नो टाइम इट कैन स्प्रेड इन होल स्टेट एंड योर होल पोर्टफोलियो विल बी गोइंग डाउन एंड इट विल बी इन इन बैड शेप, बी केयरफुल अबाउट दैट वन। हम लोग वही दो चीज आप फिलहाल कर सकते हैं, और तीसरा चीज जो है रेगुलर हमारा एक विजिट होना चाहिए डीसी के पास और एलडीएम के पास, डीडीएम के पास एक रेगुलर विजिट होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, किस जगह पर वो स्प्रेड किया या फिर कुछ जगह पर अच्छा हो रहा है, ये फुल फुल एंड प्रॉपर उनको अपडेट करना पड़ेगा रेगुलरली। इन एवरी 15 डेज वी शुड मीट हर एंड अपडेट हर दैट व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज।
ये दो तीन चीज हम लोग कर सकते हैं। फिर फॉर द टाइमिंग फ्रॉम साधन वी विल डेफिनेटली टॉक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर एंड वी विल ट्राई टू मीट दिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस एंड अदर पीपल एंड वी विल अपडेट देम व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। ये हमारा सर, फिलहाल। हाँ प्लीज टेल मी। आई हैव एडिशनल पॉइंट। हाँ हाँ जैसा बोलो। कि बाकी साथियों ने बताया कि जैसा न्यूज़पेपर और प्रेस रिलीज के लिए वहां से मना कर दिया गया, जैसा एसपी सर ने बोला था कि पहला काम जो है प्राइमरी, वो काम है कि मैडम के रिक्वेस्ट पे लीड बैंक अवेयरनेस के लिए करें और हाँ प्रेस रिलीज में ये निकालें कि भाई क्या है, क्या प्रणाली है, या आरबीआई क्या कह रहा है, पैसा लेन देन का कितना जरूरत है आमदनी इनकम जनरेटिंग में। तो हाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बात हो रहा था, किसी जने ने कहा कि हमें न्यूज़पेपर में हमें ये लगाने की जरूरत है, लेकिन एक चीज इम्पोर्टेंटली ऑन द अदर हैंड ये भी समझने की जरूरत है कि जो वो कैंपेनिंग चला के इस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, हमें उनके कैंपेनिंग को हमारे तरफ से बढ़ावा नहीं देना है। ना 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 बिल्कुल अगर नहीं। हम मतलब न्यूज़पेपर में कैसे? चले जाएंगे बताने कि ना माइक्रो ना ना फाइनेंस ना अच्छा ना काम ना कर रहा ना है, ना ना ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ना इतना 1000 कस्टमर है, इतना ब्याज ना दर है, या पैसे का लेन देन सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो उनके प्रचार को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एकदम आप लोग के लिए सजेशन था, क्या आप लोग को लगता है कि उनके प्रचार को हम अपना प्रचार बना दें और पेपर में छपवा दें साधन में, ना और ना उनके मेंबर कि ना भाई ना ऐसा होना चाहिए, आप लोग का क्या राय है? आपको आपने सुना होगा मुझे नीरज जो जी, लगता है, मुझे जो लगता है कि तुम। इनसे भी सुनते हैं सर, क्योंकि हमारा हाँ महाराष्ट्र, राजस्थान, इवन उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूपी जैसे ही मेंबर्स ने ही बोला है सर कि हमें उनका प्रचार को बढ़ावा नहीं देना है। सो लेट अस हैव अ प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम धीरज केशव जी और खेम सिंह जी नीति। बोलिए ना बिल्कुल। धीरज जी, केशव जी। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो आई एम नहीं, एग्री विद हमारा नहीं, दैट। हमारा एक्सपीरियंस है सर, हमारे दूसरे स्टेटों का अभी रिसेंटली 2 सालों दैट्स में, व्हाट द पॉइंट ऑफ स्पेशली व्यू कर्जा कम्स मुक्ति फ्रॉम पे। द एक्सपीरियंस। हाँ, सो हाँ अगर हाँ ऐसा ये है, हमारा अगर अपना आपको भाई नहीं। लगता है कि हाँ, सो अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, सर एक एक ठीक। करके। हाँ बाकी एक बार सुन लेते हैं, बाकी क्या कहना चाहते हैं। कैसे जी, बट आप क्या हमारा बोल रहे थे, हमारा सुना नहीं अगर बिल्कुल। कि आप लोग थोड़ा सा ना फील्ड को भी ठीक कीजिएगा। आप लोग करते नहीं है बट स्टिल आप लोग फील्ड को भी थोड़ा सा ठीक कीजिएगा कि वहां पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। हमारा जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उस कोड ऑफ कंडक्ट के से बाहर कुछ भी नहीं करना है। इफ यू वांट वी कैन सेंड यू वंस अगेन दिस कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब सबको एक बार ना हमारे ग्रुप में कोड ऑफ कंडक्ट जो है उस ग्रुप में दे दो। बी अभी भेज केयरफुल देता अबाउट हूँ दैट सर, वन। हाँ ठीक। और अभी भेज दूसरे देता हूँ। दूसरे साथी क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा? हाँ केशव जी कुछ बोल रहे थे, समझ में नहीं आया। केशव जी फिर से इस पे रिट्रेट करेंगे क्या? नहीं, अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि उससे उन्हीं का प्रचार हो रहा है तो देन इट इज फाइन, वी कैन वेट सम ये टाइम। हमारा इट सर इज नहीं ऑल है, मैंने अबाउट योर जैसा बताया फाइनेंशियल राजस्थान के मैनेजमेंट। उदयपुर, हाँ राजस्थान के उदयपुर से लेके अजमेर, भीलवाड़ा, दूसरे पॉकेट्स में जो हम 2 साल 3 साल से देख रहे हैं, और फिर या फिर हम बात करें महाराष्ट्र के 7-8 डिस्ट्रिक्ट में, मेंबर्स ने सजेस्ट किया है कि सर न्यूज़पेपर में निकालना हम नहीं कर सकते। हाँ उदयपुर में कलेक्टर सर ने निकलवाया कि भाई माइक्रो फाइनेंस आरबीआई से जुड़ा है और जो पैसा लेन देन कर रहे हैं वो आरबीआई के रेगुलेशन पे हो रहा है, और अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपको समस्या आएगी, सिविल स्कोर खराब होगा, ये अवेयरनेस के लिए वो कलेक्टर ऑफिस ने छपवाया, हमने नहीं करवाया। और बाकी जगह जो सबने सजेशन दिया कि हम उनके प्रचार को अपना प्रचार नहीं बना सकते। यस नहीं तो वी कैन नॉट गो डायरेक्टली काउंटरिंग देयर, मतलब उनका जो जो स्टेटमेंट है उसको अपन नहीं करेंगे। एनीवे अगर ऐसा है, अगर आपको लगा है उसमें ऐसा हुआ है तो उसको अपन देख सकते हैं, वी कैन ठीक है होल्ड इट एंड। धीरज जी आपका क्या ये कहना है, और हमारा खेम सिंह आपका जी नहीं है, ये हमारा सभी का। एक्सपीरियंस है। दैट्स व्हाट आई नहीं, सजेस्ट सर। मेरा कोई उसमें वो नहीं है। जो है तो यदि लोकली हम तो वैसे भी करेंगे नहीं, लेकिन हाँ यदि ज्वाइंटली कहीं कुछ हो रहा है या साधन की तरफ से कुछ होगा तो वो अलग है। फिर ऐसे तो सिंगल को वैसे भी उसमें कंसीडर भी नहीं होगा और कुछ होगा भी नहीं। मैं ना थोड़ा सा वेरी एक गुड, मीटिंग में भी हूँ तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी आ रहा है मेरे पास, है ना। नो इसी 5 मिनट में हम लोग क्लोजअप करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी अगला हमारा हाँ मीटिंग्स एंड दूसरे असाइनमेंट से। तो नितिन आपका, खेम सिंह जी का इसमें पॉइंट। मेरा थोड़ा कंसर्न इसमें इस चीज को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है कि पहले हम लोग कलेक्टर को अपना पक्ष रख दें, क्योंकि उनको अभी तक आइडिया ही नहीं कि हम लोग किस पैरामीटर पर काम करते हैं।
और सबसे बड़ी बात, उनको ये भी नहीं आइडिया कि हम लोग उसके साथ में बेनिफिट क्या देते हैं। अगर हॉस्पिटल वाले केसेज हैं, काफी सारे केसेज हैं, काफी सारी सुविधाएं हैं जो हम लोग उनको देते हैं, उसके आधार पर उनको पता लग जाता है। ये सारी चीजें हैं, हम लोग जितना पैसा हम लोग देते हैं उतना तो हम लोग सिक्योर भी करके चले जाते हैं उनका। काफी सारी चीजें हैं जो एक बार कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद में पेपर में निकालना ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज तो हम लोगों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया हुआ है, हम लोग हमारी सारी शर्तें, हमारी जो सारी चीजें हैं हम लोग बता सकते हैं कि माइक्रोफाइनेंस सेक्टर तो इस चीज पे, इस पैरामीटर पे काम करता है। उसके बिल्कुल साथ में फिर कि हम लोग न्यूज़पेपर में, जब उन्होंने न्यूज़पेपर में निकाल दिया तो एक अच्छा सजेशन है कि हम लोग उनको ये भी, उसको जो भी हम लोग ज्ञापन दे के आए उसमें हम लोग नीचे से लाइन मेंशन भी कर दें कि यह वाली इन्फॉर्मेशन आरबीआई के नॉर्म्स के आधार पर है, हम लोग आरबीआई को ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, इसको हम लोग आपके जरिए से हम लोग पेपर में भी निकालना चाहते हैं। उसके बाद में कलेक्टर को समझ में आ जाएगा कि पेपर में ये लोग भी निकालेंगे, इन्होंने भी निकाला है तो वो भी निकालेगा, तो फिर वो भी मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए उनका सपोर्ट नहीं करेगी। ओके ओके सर, मेरा पे मेरा यहाँ पर एक और पॉइंट है और हम लोग 5 मिनट में मीटिंग क्लोज कर रहे हैं, तो उससे पहले इनसे पूछ लेते हैं। सुनील सुनील, आप बंधन बैंक से अभी ज्वाइन है मीटिंग में, आपको क्या लगता है न्यूज़पेपर वाली बात पे, हम उनके प्रचार को अपना बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? अनम्यूट करके बताइए फटाफट। सुनील घटे जी, ओके ओके ठीक है, बाद में बोलिएगा सर। सोहेबल सर, हाँ जी, देखिए अभी तक सो मुझे, अभी तक मुझे जो समझ में आया, हमें समझ में आया ना, जैसे आपने दो तीन पॉइंट बताए, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, नहीं, हमारा जैसे चल रहा है नहीं, थोड़ा हमें थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा कि सो हमारा उसमें सर जो एक पॉइंट हम साइड कर वाला सकते है हैं सर, उसको थोड़ा सा सर कर एक पॉइंट हम कर सकते। सकते हैं। हाँ बोलिए। वी हैव दैट नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई हिंदी में भी अंग्रेजी में भी ऑन लोन वेवर, एंड ये पूरा जो केस है वो लोन वेवर पर, ठीक हाँ है, बिल्कुल पूरा बिल्कुल केस, बाकी सब भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो कस्टमर एग्जिस्टिंग है और जो हमारा न्यू कस्टमर होने जा रहा है या होगा, ठीक है, क्या हम हमारे जो माइक्रो फाइनेंस का जो केवाईसी है या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट जो एक्सचेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन और सेंटर मीटिंग और कलेक्शन और डिसबर्समेंट, क्या उस नोटिफिकेशन का एक कॉपी और एक कागज पे सूचना, सूचना मतलब कस्टमर को किसी भी चीज से संबंधित समस्या हो, कस्टमर को किसी भी चीज से बड़े बड़े अक्षरों में समस्या हो, दोनों पेज पर अटैच करना, आरबीआई वन पेज नोटिफिकेशन, कस्टमर को माइक्रो फाइनेंस लोन से संबंधित किसी भी तरीके की सूचना या फिर कंप्लेन हो, तो वो ये ब्रांच मैनेजर या एरिया मैनेजर या ब्रांच का जो कॉमन नंबर या टोल फ्री नंबर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, इस पर डायरेक्ट संपर्क करे, बस वो दोनों लेकिन कागज को लगा के वो उनको तो दे ऐसा दे। ही है कि जितना भी हमारा मेंबर्स है, उन लोगों का जो लोन कार्ड होता है उसमें तो वो लिखा हुआ ही होता है सर कि बहुत सारे अगर टाइम आपका पे कोई प्रॉब्लम। हमारे कलीग हैं, अब ये लोग एग्री करें तो कर सकते हैं, आरबीआई का नोटिफिकेशन जैसे ही कस्टमर के केवाईसी या लोन बुक के साथ चला जाता है ना हिंदी में, तो नहीं कस्टमर या उसका पति या जो कंसर्न नहीं पर्सन है वो तो वो, ठीक है, वो हम लोग भेज ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन और ऑलवेज दूसरा सेंड सर, दैट वन। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, दूसरा पॉइंट उसमें ये भी है, जैसा केम सिंह जी ने कहा, हाँ हम रेगुलर एलडीएम सर, कलेक्टर ऑफिस, आरएसपी बिल्कुल सर के ऑफिस में बात बिल्कुल कर रहे हैं, और दूसरी बिल्कुल, बात ये, उनको हमने उनके पास क्लाइंट गया है प्रोटेक्शन ये, उनके पास ये आरबीआई वाला नोटिफिकेशन आप लोगों ने सर, लेकर हमने गए थे? हमने सब कुछ दे दिया, कोड ऑफ अच्छा कंडक्ट, अच्छा आरबीआई नोटिफिकेशन, अच्छा साधन, मेंबर अपडेट, ओवरऑल इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्कुल हम अभी क्या कर रहे हैं, रेगुलर पे उनको बता रहे हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कत हो आप हमें बताइए, वी विल एस्केलेटेड टू द कंसर्न माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो हमने जीआरएम पे, हमने हमारा जो जीआरएम के साथ क्लाइंट प्रोटेक्शन और हमारा ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीन चीजें क्लियर कर दिया है एलडीएम सर को और डीसी ऑफिस में और आपके एसपी ऑफिस में। इसके अलावा हमने, क्योंकि डीडीएम सर का बदली हो गया है नाबार्ड से, डीडीएम सर भी 7 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं जैसा हमारे पास जानकारी है, क्योंकि हमने नाबार्ड में भी संपर्क किया था इस सूचना को बताने के लिए, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे बुरहानपुर में, तो 7 तारीख को वो जुड़ने वाले हैं। तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि नाबार्ड का काम यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा चल रहा है, तो हम लोग जरूर एक अवेयरनेस कर सकते हैं, सरकारी अवेयरनेस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसमें हमारे साथी भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड के कस्टमर और माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर सेफ है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया है कि हम हमारे उसमें हम आमंत्रित करेंगे अगर जरूरत होगा, कंसर्न है ठीक प्राइस है, को। निश्चित रूप यस, से ओवर टू यू सर। ठीक है। तो वो हमारा सोशल मीडिया ये मार्केटर, जो मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि सबको ये हाँ रिजर्व बैंक का जो है वो हम लोग बांट सकते हैं, लेकिन हाँ हमारा वो जो नीचे उन्हीं जो के है लिए ना, निकला है सर। नीचे जो काम है ना, उस काम को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कलेक्टर मैडम ने बोली है
कि आप लोगों का जो रीपेमेंट में रीपेमेंट स्टॉप करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे, कि आप जिस जगह पर दो स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा वो कि एक जिस है जगह पर मेरा आपका ये नहीं मेरा हो रहा है, दोस्त मतलब रीपेमेंट नहीं हो रहा है, वो जगह पर थोड़ा सा गो स्लो करके उनको थोड़ा सा अभी समझाइए बुझाइए, और उसके बाद क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का भी एक कॉपी लेकर बहुत जाइए कि हाँ देखिए ये अगर पे नहीं कीजिएगा यहाँ पर आपका नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये आपको बाद में जाके लोन नहीं मिलेगा, दिक्कत होगा, ये सब हो, ये नहीं एक तरह उतना का नहीं है। और हुआ है जो अभी हमारा जो तो, फिर साइड का भी जो जोन है ना, चल रहा है जिस पिन कोड में हो रहा है उसका जो साइड वाला पिन कोड है, उसमें सब लोग मिलके हम एक बिजनेस भी कैंपेन अभी चलाइए एक ही साल से चल कि वहां रहा है। पर पहले तो ऐसे जैसे ही हम लोग करते हैं ना, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, फिनेंशियल लिटरेसी वाला, अगर आप लोग के पास मटेरियल नहीं है तो ये माता कैन सेंड यू मटेरियल ऑल्सो, हमारे ग्रुप में हम लोग यस, सो मटेरियल भी दे देंगे। वी हैव दैट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड हाँ कोड ऑफ कंडक्ट फाइनेंशियली एंड मेरे स्वीडन ग्रीवियंस, में गया अच्छा हुआ है हमारा तो नहीं, उसके मतलब साथ घर हमारा कमाए चाहे एक मतलब लाख एक ये कमाए है ना, क्या नाम स्टे है, होम वीडियो भी है सेम ना, होता है दोनों में एनिमेटेड राइट। वीडियो, हाँ, यस सो वेरी गुड, एनिमेटेड रिस्पॉन्सिबल वीडियो, लेंडिंग एंड फ्रॉड, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, हाँ रिस्पॉन्सिबल वहां लेंडिंग, रिस्पॉन्सिबल सॉरी बोरोइंग एंड दिस, पे आप पैसा खर्च नहीं तो कर वो भी सकते दोनों हमारे लोग, ग्रुप में भेज दो, आप लोग उसको जैसे इस्तेमाल करके आप घर से बाहर निकले तो मतलब उनका आपके पर्स पास हरियाणा अगर स्टेट नंबर का है नहीं तो हुआ उस तो वैसे नंबर भी में है भेजिए और उसको इस्तेमाल करके छठावे कैपेसिटी में उतर बिल्डअप रहे हैं कीजिए। हम लोग एक बिल्कुल, सप्ताह देखते हैं कि क्या हो रहा है, दोनों को भी और उतना इस खाने बीच का अगर हो सके इश्यू है तो लेकिन आप बना के लोग खाने एक का है। बार फिर जो एलडीएम डीडीएम है उन लोगों के साथ एक बार मिलके उनको अपडेट कीजिए क्या हाँ हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली, वो सो अभी मतलब यू घूम कैन रहे हैं कोऑर्डिनेट डिफरेंट विद डिफरेंट देम कंट्रीज, दैट श्योर व्हाट श्योर एग्जैक्टली, हाँ, अभी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, एक सप्ताह जा देखते हैं, देखने के रहे बाद, हैं बट वी वो दिस रोम जाएंगे, हाँ वो जो साथी बोल रहे थे ना कि ये फिर किसी भी सितंबर वक्त में ये जाएंगे कहाँ मतलब इस जाएंगे ज्योग्राफी के वो बाहर भी, भी जा सकता है, दैट्स डेनमार्क ना वेरी कहाँ, ट्रू, हमने हाँ पहले हाँ भी देखा है, हमने अभी भी देखा है सर, देखेंगे, अभी तो रिसेंटली देखा है। यस ये बी केयरफुल अबाउट दैट हाँ, वन, ट्रेन और से उन लोगों जाएंगे, को ट्रेन हवा ना लगे, और एक भाई बोल रहे थे हाँ ये से क्या जाएंगे, नाम है ये मैं मीडिया जिस वाला, दिन आ मीडिया रही वाला थी उस थोड़ा दिन सा मुझे पता था, वी लेकिन आई मुझे एग्री विद पहले यू, से पता बट था मीडिया वाला थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या यस होता है, क्योंकि मामला अगर नाजुक है मीडिया सर तो वाला, मीडिया वाला रुकते हैं। हाँ मीडिया वाला थोड़ा सा डाइसी भी होता है कभी कभी, आप जो बोलोगे वो लोग वो लिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके साथ अगर मसाला देखे वो अगर लिख दिया ना, तो हमारा लेने का देना देने पड़ जाएंगे, सो बी केयरफुल अबाउट दैट वन, वी विल ट्राई टू डू दैट वन, बट लेटर ऑन थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, थोड़ा देखते हैं नीचे हमारा काम और गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद वी विल डिसाइड। यस सर, तो दो तीन पॉइंट है सर, मैं मीटिंग के बाद शेयर कर देता ठीक हूँ, है, डिस्कशन ऑफ मीटिंग इन एंड एज लोग वेल के एज द यहाँ पर पर्टिकुलर ना, दैट। हाँ इनको थोड़ा सा वो हमारा जो वीडियोस है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट है, ट्रेनिंग मटेरियल है, हमारे ग्रुप में डालो उसको, सिर्फ एक एक पेज का है सर, अभी आफ्टर मीटिंग अलोंग विथ मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड ऑल मटेरियल हाँ वी ठीक है, विल तो डेफिनेटली सेंड इट टू द एनीथिंग, मेंबर्स। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर कुछ भी आप लोग देख रहे हैं कि फील्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज डू एस्केलेट टू अस, हम लोग आपके साथ काम करने के लिए है, इन नो टाइम, मैं वेंट देयर, आप लोग के फील्ड में गया था, आप लोग के साथ वो काम किया है, फिर भी फिर जाएगा, फिर हम लोग उनको भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज टू लेट अस नो व्हाट हाँ, एग्जैक्टली इज जैसा कि सर हैपनिंग, सारे लोग जुड़ के हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पल पल का खबर, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही करते रहिए, बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ता है हम फिर से ट्रैवल करेंगे टू नो सपोर्ट यू, प्रॉब्लम, सेंसिटाइज टू द कस्टमर, सेंसिटाइज टू द एडमिनिस्ट्रेशन, वी विल डेफिनेटली डू। सो विद दिस आई थिंक हमें मीटिंग वी अब शुड क्लोज एंड, करना चाहिए, वी थैंक हैव यू ऑलरेडी वेरी स्पेंड मच, 1 आवर एंड बिफोर दैट सर मैं सुनना चाहूंगा किसी का और कोई पॉइंट है, सो प्लीज डू लेट अस नो आफ्टर दिस मीटिंग और बाय टुमारो और वेन एवर लाइक सुटेबल फॉर यू और कन्वीनियंट फॉर यू। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू वेरी मच, यू, थैंक यू एवरीवन, धीरज जी, केशव जी, नितिन जी, थैंक यू प्रेम सो सिंह मच, जी, थैंक सुमित यू जी, जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू एवरीवन।